अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने राउटर्स पे किस तरह से हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी रिप को रिप के जो वर्जन्स हैं उनको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि रिप वर्जन के दरअसल एक्चुअली तीन वर्जन हैं इसके इसके रिप वर्जन के। एक है वर्जन 1 और उसके बाद आया था वर्जन 2 और उसके बाद था एक वर्जन NG यानी नेक्स्ट जनरेशन। तो ये तीन थे रिप के वर्जन अभी जो चल रहे हैं। पहले जो डिफ़ॉल्ट में यानी पहले जो था बेसिकली जो इन्होंने क्रिएट किया था वो था रिप वर्जन 1। उसके बाद इन्होंने एक वर्जन जो था वो मतलब अपडेट किया उसको, यानी उसमें कुछ चेंजिंग की, मतलब उसको कुछ फैसिलिटी यानी आप उसको अपडेट समझ लिए उसने किया उसको, तो उसको उन्होंने नाम दिया वर्जन 2 का। उसके बाद एक वर्जन था जिसका नाम था NG यानी नेक्स्ट जनरेशन। तो इसमें बस बताने का मकसद बस सिर्फ इतना ही कि तीन है इसके वर्जन। तो यहाँ पे क्योंकि हम उसकी थ्योरी के बारे में नहीं देख रहे हैं तो हमें जस्ट उसको अप्लाई करना है कि हम उसको अपने बेसिक यानी अपनी लैब्स में या अपने पैकेट ट्रेसर में राउटर में किस तरह से उसको वीजन को अप्लाई कर सकते हैं, तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसी भी राउटर पे चलते हैं। तो राउटर में जाके हम यहाँ से एग्जिट करता हूँ, तो अनेबल मोड में चलते हैं, अनेबल टाइप करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे कमांड चलाता हूँ शो IP प्रोटोकॉल्स। ये बेसिकली कमांड्स हैं, हम इसमें विजन देखेंगे। तो एंटर करता हूँ तो देखिए इसमें स्टेप आ रहा है कि डिफॉल्ट विजन कंट्रोल सेंड विजन 1 रिसीव एनी विजन। यानी सेंड विजन 1 का मतलब यह है कि इसमें जो डिफॉल्ट में इसके राउटर पे है जो वो जो विजन इसमें है वो यानी अप्लाई है या कॉन्फ़िगर है वो विजन 1 है और ये सेंडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ये देख लीजिए सेंडिंग के लिए है 1 और रिसीविंग के लिए है 2 और 1, यानी 1 और 2 ये रिसीव कर सकता है लेकिन सेंडिंग के लिए जो विजन यूज़ करेगा वो 1 ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी दे सकते हैं सेंड विजन 1 और रिसीव के लिए ये एनी विजन या कोई भी विजन यानी 1 और 2 कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रिसीविंग के लिए और सेंडिंग के लिए जस्ट 1। और ये फास्ट ईथरनेट फास्ट ईथरनेट पे भी होगा इंटरफेस पे और सीरियल इंटरफेस पे भी ये सेम वर्क करेगा, यानी सेम होगा। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी अभी इसमें है सेंडिंग के लिए 1, तो हम इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम चलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलेंगे विजन चेंज करने के लिए। यहाँ से हम कमांड टाइप करेंगे राउटर्स रिप, एंटर करता हूँ। तो वहाँ यहाँ पे हम टाइप करेंगे रीजन के लिए, आपको समझ रहे होंगे कि कितनी आसान इसकी ऑप्शन होगी इसका रीजन चेंज करने के लिए। तो जस्ट वर्जन टाइप करेंगे तो पहले इस पे 1 था यानी ये वाला सेंडिंग के लिए और रिसीविंग के लिए 1 और 2 दोनों था, तो हम तो बाय डिफॉल्ट यानी इसमें वर्जन 1 था। तो अब हम इसमें वर्जन 2 के लिए जस्ट वर्जन और 2 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। तो लीजिए सिंपल सा काम था, इसमें वर्जन 2 अप्लाई हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया। तो चलिए इसको चेक करते हैं। डू शो IP प्रोटोकॉल्स, एंटर करता हूँ तो देख लीजिए पहले था डिफ़ॉल्ट वर्जन कंट्रोल में सेंडिंग के लिए था 1 और रिसीविंग के लिए था एनी वर्जन। तो आप देख लीजिए इसके लिए सेंडिंग के लिए वर्जन 2 हो गया और रिसीविंग के लिए भी वर्जन 2 हो गया। तो ये आप यहाँ से नीचे भी देख सकते हैं। तो बस इतना सा काम था। तो इसी तरह हम चलते हैं अपने दूसरे राउटर पे, सेम यही देखेंगे, एंटर करते हैं अनेबल के लिए, अनेबल टाइप करेंगे तो शो IP प्रोटोकॉल्स टाइप करता हूँ तो सेम वही रिसीविंग के लिए 1 और 2 दोनों विजन यूज़ करेगा और सेंडिंग के लिए जस्ट 1 यानी विजन 1 इस्तेमाल करेगा। तो इसको भी अप्लाई करते हैं, चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलेंगे राउटर्स रिप यानी राउटर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो
यहाँ पे वही प्रोसीजर रिवीजन टू एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। इसी तरह हम अपने तीसरे राउटर पे चलेंगे ताकि तीनों पे रिवीजन थ्री इस्तेमाल कर सकें। तो अनेबल के लिए अनेबल टाइप करता हूँ, शो आईपी प्रोटोकॉल्स टाइप करता हूँ वही। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलेंगे, एंटर करता हूँ। यहाँ से राउटर के लिए टाइप करूँगा राउटर राउटर रिप, और विजन के लिए विजन टू एंटर करता हूँ। और शो आईपी, आपने एक बात को नोट किया होगा कि जब मैं कहीं पर यानी अनेबल मोड के अलावा कि किसी की कमांड को मैं यूज़ करता हूँ, यानी अनेबल मोड की कमांड को मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में या राउटर में या ग्लोबल मोड में कहीं पे भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक हमें वो यूज़ नहीं होती है डायरेक्टली, तो उसको देखने के लिए हमें उससे पहले कमांड से पहले डू लगाना पड़ेगा। तो आपने पीछे पीछे भी देखा होगा कि मैंने डू लगाया था, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स, सॉरी, एंटर करता हूँ। तो देखिए ये बता रहा है कि इसमें सेंडिंग के लिए भी टू है, रिसीविंग के लिए भी रिवीजन टू है, और ये सीरियल के लिए भी यूज़ होगा, फास्ट इथरनेट के लिए भी यूज़ होगा, इसके अलावा गो भी होगी, अगस्ट्री होगी, या इसके अलावा एक्सेट्रा वी टी वाई बहुत सी होती हैं। चल आप यहाँ पे उनकी डिस्कशन नहीं चाह रही, यहाँ पे जस्ट रिवीजन अप्लाई करने की डिस्कस हो रहा है उसके बारे में। तो देख लीजिए हमने इस पर रिवीजन टू अप्लाई किया है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, और बाय द वे आपको बताता चलूँ कि अगर आपको किसी वजह से इसको वापस रिवीजन वन में लाना पड़ेगा तो सेम यही प्रोसीजर होगा, बस उस पर आप इस पर रिवीजन वन करके एंटर करेंगे। तो डू शो करें तो देख लीजिए इसमें रिवीजन वन अप्लाई हो गया, यानी रिवीजन वन और टू सेम प्रोसीजर है, बस उसको टू के लिए टू करना पड़ेगा टाइप और वन के लिए वन। तो दुआ में याद कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। Video tutorial with voice included.